हाय दोस्तों, मैं दीपक पंडित आप सभी को फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इसी प्रकार हमेशा आप लोगों को नया वीडियो बनाते रहूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल पार्ट 3। हम लोग दो में पढ़ चुके हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, अर्ध त्रिज्यखंड। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल आता कैसे है तथा वृत्तखंड के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। यह है वृत्त, और वृत्त में हम लोग क्या किए हैं यहां पर कि दो त्रिज्या ये और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से लेकर के खंड बनाया है। इस प्रकार हम एक वृत्त में 12 खंड बनाए हैं, 12 त्रिज्यखंड बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक वृत्त में त्रिज्य खंड लेकर के उसका 12 खंड बना दिए हैं, और ये प्रत्येक समान है, ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये सब एक दूसरे के, ये जो क्षेत्रफल है सब इक्वल है। इसका मतलब कि एक जो यहां पर दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच जो एंगल बनेगा 360 डिग्री में हम 12 से भाग दे देंगे तो उसका मान निकल जाएगा, यानी कि 30 डिग्री प्रत्येक का एंगल होगा, यानी कि 30 डिग्री प्रत्येक का एंगल होगा। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, इसको जानेंगे और निकालेंगे। तो देखिए, ये 12 जो है त्रिज्यखंड, इसको ऐसे हम सजा सकते हैं, ऐसे इसको हम लोग ऐसे सजा सकते हैं। एक त्रिज्यखंड हो गया, यहां पर त्रिज्या है, यहां पर भी यह त्रिज्या है, दो गो त्रिज्यखंड हो गया, तीन गो त्रिज्यखंड हो गया, चार गो त्रिज्यखंड हो गया, पांच गो त्रिज्यखंड हो गया, छह, इसी प्रकार हम लोग 12 गो त्रिज्यखंड बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो यहां पर हम लोग क्या किए कि त्रिज्यखंड जो है यहां पर ये प्रत्येक टुकड़ा को निकाल करके ऐसे सजा दिए। तो ये पहला वाला भाग हो गया, ये दूसरा वाला भाग हो गया, इसी को पलट कर रख दिए हैं, ये तीसरा वाला भाग हो गया और ये चौथा वाला भाग हो गया। इसी के प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहां पर ये 12 हम लोग क्या कर दिए, त्रिज्यखंड का टुकड़ा करके, वहां पर वृत्त का टुकड़ा करके त्रिज्यखंड के रूप में ऐसे सजा दिए। ऐसे सजाने से यहां पर एक आयत का निर्माण हो जाता है, ऐसे ये सीधे और ये ऐसे। इस प्रकार यहां पर इस वृत्त के हम लोग जानते हैं कि टोटल परिधि जो कि बतलाए थे कैसे आता है, 2πr होता है। टोटल परिधि का मतलब हुआ, एक परिधि का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई टोटल। इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये वाला भाग इतना, ये आधा वाला भाग ऊपर हो गया है ऐसे, तथा आधा वाला भाग ऐसे इसका नीचे हो गया है। इस प्रकार ये वाला भाग यहां से यहां तक का लंबाई हम लोग निकालेंगे, यहां से यहां तक का लंबाई निकालेंगे तो टोटल वृत्त के परिधि का हाफ होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 6 त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई मतलब क्या, 1/2 × π r हो जाएगा, 1/2 × 2π r हो जाएगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा π r।
मतलब क्या, इसका लंबाई हम लोग का आ गया पाई आर, इसका लंबाई आ गया हम लोग का पाई आर, क्योंकि ये है वृत्त के, टोटल वृत्त के ये अर्ध परिमाप के, अर्ध परिमाप यहां पर नहीं कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे अर्ध चाप, ये अर्ध चाप की लंबाई के बराबर होगा इतना, ऐसे। तो इसका लंबाई हम लोग निकाल लिए पाई आर हो गया। अब हम जानते हैं कि लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में उसकी ऊंचाई से गुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल मिलता है। ये बेस में इसके हाइट से, यदि ये बेस ये है, इसके हाइट से गुना करेंगे तो ये एरिया आएगा। तो यहां पर इसका जो बेस है यह, इसके लंबाई है यह, ये हो गया पाई आर, और ये जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग यहां से यहां तक, ये वाला भाग ये त्रिज्या के काम कर रहा है, मतलब ये वाला भाग है ये, तो ये त्रिज्या का काम करता है। तो इससे गुना करेंगे तो हमको आएगा पाई आर स्क्वायर, हमको मिलेगा पाई आर स्क्वायर। यही होता है हम लोग का इस आयतकार भाग का क्षेत्रफल, और ये हम लिए थे ये टोटल वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल द्वारा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या कि इसका लेंथ, मतलब यहां से लेकर यहां तक निकाल लिए पाई आर, और उसमें उसके त्रिज्या से गुणा कर दिए तो ये हम लोग का आ गया इसके क्षेत्रफल। मतलब हम लोग समझ गए आज कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, क्यों होता है। फिर हम लोग अब सीखेंगे इसी वीडियो में वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड होता क्या है, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, समझेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखे कि किसी भी वृत्त में उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग जान गए। सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है होता कैसे है। अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। इसके पहले हम लोग समझा सीखे थे त्रिज्यखंड, उसके भी पहले फर्स्ट वीडियो में सीखे थे हम लोग चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोग का वृत्त। अब इसमें हम देखते हैं कि ये इसका जीवा हुआ, ये इसका जीवा हुआ। तो किसी भी वृत्त में उसके जीवा तथा संगत चाप से निकाले हुए खंड को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। किसी भी वृत्त में उसके जीवा और संगत चाप से निकाले गए खंड को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। देखिए इस वृत्त में हम यही खंड ले रहे हैं, ये तो ये हो जाएगा इस वृत्त का वृत्तखंड, इस वृत्त का वृत्तखंड। तो ये खंड करेंगे और इसको अलग करेंगे तो ऐसे बचेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा हमको, ऐसे। तो देखिए हम खंड करेंगे तो दो टुकड़ा में तो विभाजित होगा, अलग होगा। तो ये छोटा वाला जो टुकड़ा है हमेशा के तरह, इसको क्या कहेंगे, हमेशा कहते थे ऐसे, जो छोटा हो जाता है उसको लघु कहेंगे, लघु। ये चूंकि वृत्तखंड है इसलिए इसका नाम दे देंगे वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब ये वाला, ये वाला, और जो इसमें शेष जो बच रहा है वह भी जीवा और चाप से बन रहा है, तो इसको भी तो कहेंगे हम लोग वृत्तखंड। लेकिन इसमें ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जो छोटा है उसको कहेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये टोटल एरिया, और जो बड़ा है उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला।
तो इसका नाम हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका नाम हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम लोग देखते हैं हमेशा की तरह यहां पर ये दोनों को मिलाएंगे अर्थात लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल दोनों को मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो यहां पर हम लोग का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये टोटल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये पूरा प्रश्न वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग पुनः जोड़ेंगे तो हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर होता कैसे है जान गए। अब देखिए यहां पर हम लोग को लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहां पर यदि हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है इसी प्रकार वहां पर एंगल भी इसी प्रकार डिपेंड करेगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल में जो थीटा का वैल्यू होगा हमेशा के तरह वह 180 डिग्री से कम होगा और दीर्घ वृत्त खंड के लिए मतलब यहां पर ऐसे ये केंद्र हुआ करता था ऐसे ऐसे जो थीटा का मान होगा वह 180 से ज्यादा होगा और इसमें वाला ये होगा ये होगा लघु वृत्त खंड के लिए थीटा का मान 180 से कम और ये होगा ऐसे थीटा का मान 180 से ज्यादा ये होगा दीर्घ वृत्त खंड के लिए ये वाला भाग के लिए ये वाला भाग के लिए और ये होगा ये वाला भाग के लिए। तो लघु वृत्त खंड के लिए थीटा का मान जो होगा वह 180 से डिग्री से कम होगा और दीर्घ वृत्त खंड के लिए थीटा का मान 180 से ज्यादा होगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि व्यास भी एक प्रकार का जीवा है यदि व्यास से लेकर के उसका खंड किया जाए मतलब वृत्त का खंड किया जाए देखते हैं यहां पर ये व्यास से लेकर के मतलब ये सबसे बड़ी जीवा होती है इस तरह इसका खंड करते हैं तो ये फिर दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा एक यह भाग होगा और दूसरा ये वाला भाग होगा तो ये भी जीवा है। तो फिर देखिए उसी प्रकार किसी जीवा और उसके संगत चाप द्वारा निकाले गए खंड को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि थीटा का मान यहां पर 180 डिग्री होगा इस वाले भाग के लिए भी और इस वाले भाग के लिए भी थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये दोनों भाग मतलब ऐसे अलग अलग होगा ऐसे दूसरा भाग ऐसे दोनों भाग कहलाएगा वृत्त खंड और ये कहलाएगा अर्धवृत्त खंड चूंकि आधा आधा है तो इसका भी हम लोग नाम दे देंगे यहां पर अर्धवृत्त खंड का क्षेत्रफल और ये वाला भाग का नाम दे देंगे अर्धवृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें थीटा का मान 180 डिग्री होगा और इसमें भी थीटा का मान 180 डिग्री होगा यानी कि यदि थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर हो तो वह अर्धवृत्त खंड होगा यदि थीटा का मान 180 डिग्री से कम हो तो वह लघु वृत्त खंड होगा यदि थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो वह दीर्घ वृत्त खंड होगा।
अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अब वृत्त खंड और अर्धवृत्त खंड पुनः इसको ऐड करेंगे, पुनः इसको मिलाएंगे तो हमको प्राप्त होगा वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब कह सकते हैं कि अर्ध वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्लस अर्ध वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब दो अर्ध वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए अर्ध वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और बटा टू। मतलब हम कह सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह अर्ध वृत्त खंड का दोगुना होता है, या अर्ध वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह वृत्त के क्षेत्रफल से आधी होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, फॉर्मूला कैसे इतना होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है क्या है वृत्त खंड का क्षेत्रफल का, इसको हम लोग निकालेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। ये हो गया हम लोग का वृत्त, ये इसकी केंद्र, या इसकी पहली त्रिज्या और या इसकी दूसरी त्रिज्या। यहां से यहां तक यही जो होता है ये वृत्त खंड होता है, और यह चूंकि छोटा है, इसीलिए यह लघु वृत्त खंड होगा। हमको इतना एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि पूरा वृत्त का एरिया जो होता है इतना टोटल वह होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमको निकालना है ये वाला भाग, ये छोटा वाला भाग का एरिया, मतलब इतना ही सूर का एरिया है, तो ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये होगा कैसे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, ये तो लैंग्वेज में ना हो गया इसका, और इसको फॉर्मूला में निकालेंगे कैसे होगा। अब यहां पर जो थीटा होगा अगर इसको मानते हैं तो ये जो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो ये जो शेष बच रहा है ये वाला भाग, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि ये वाला भाग जो होता है यहां से यहां तक, ये वाला भाग मतलब ये टोटल ये वाला भाग, ये कहलाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये कहलाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमको निकालना है ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल मतलब इतना से इतना वाला में यदि हम इस यहां पर जो त्रिभुज बन रहा है यहां पर ये ऐसे, इसका यदि हम क्षेत्रफल घटा लें, मतलब इतना हटा लें, मतलब ये इतना वाला भाग जो है ये वाला टोटल भाग, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से यदि ये वाला भाग मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है यहां पर इसको घटा लेंगे यानी हटा लेंगे तो हमको ये वाला भाग मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा, और इसी को तो हमको निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, मतलब कि यहां पर ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये निकलता है कैसे यहां पर समझते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस, माइनस मतलब ये वाला त्रिभुज,
अब देखिए यहां पर ये त्रिभुज पहचानेंगे कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए ये हम जानते हैं कि एक वृत्त में त्रिज्याएं जो होती है हमेशा समान होती है, तो एक या त्रिभुज बनाने के लिए इसमें दो त्रिज्या हुआ है, ये और ये, ये और ये, ये ये और ये, ये और ये, ये दूसरा है, ये हमेशा ये इसके और इसके बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या खंड कैसे बोलिए, किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में समान हो तो उसका दो एंगल भी बराबर होता है और वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये तीनों भुजा बराबर हो जाए तो समबाहु कहलाती है, अगर तीनों भुजा अलग अलग हो जाए इसका मतलब उसका तीनों कोण अलग अलग होगा तो अभी समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। तो यहां पर ये जो है हमेशा हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु हो सकता है कभी कभी जब ये भी बराबर हो जाएगा तब, लेकिन हमेशा समद्विबाहु जरूर होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला सीख कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब ये टोटल भाग का क्षेत्रफल ये माइनस इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, थीटा पाई आर ए स्क्वायर बटा 360 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर ए स्क्वायर साइन थीटा, मतलब भुजा स्क्वायर यहां पर जो समान है वो, तो यहां पर भुजा का काम जो समान है वो त्रिज्या का है आर ए स्क्वायर साइन थीटा, थीटा मतलब इसके बीच बना एंगल ये वाला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को 1/2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी आर स्क्वायर इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच गया थीटा 180 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हम लोग कहा गया इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि हम लोग जान गए कैसे निकालना, ठीक है। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इतना वाला क्षेत्रफल, ये वाला भाग हम लोग निकालना जान गए। शेष जो यह बच रहा है ये इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बात सोचते हैं, यहां पर कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो समझिए और जानिए। हम जानते हैं कि इस टोटल वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये वाला भाग वो पाई आर ए स्क्वायर द्वारा निकाला जाता है, और यह भी कैसे आता है बतला दिए। अब इसमें हम लोग को निकालना है इस इतना दूर का क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल, ये टोटल ये इतना छोड़कर के लघु छोड़कर के, तो हमको निकालना है इसका मतलब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये हटा करके ये जो शेष बच रहा है ऊपर मतलब ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से यदि हम इतना वाला भाग का एरिया घटा लें, ये वाला भाग ये इतना हटा ले मतलब घटा ले तो बाकी का यही बचेगा, और इसी का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, अर्थात दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि होता कितना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से मतलब इस एरिया में से ये टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर ए स्क्वायर। तो हम लोग निकाल रहे हैं दीर्घ
ब्रेट खंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ब्रेट का क्षेत्रफल, और माइनस ये वाला भाग माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना आया है, इतना, ठीक है, या इसको इतना कह सकते हैं। देखिए तो ये वाला यहां पर हम लोग का पाई छूट गया, यहां पर पाई लिख देते हैं, ठीक है। अब सही, तो हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है यहां, उसमें से घटा लेंगे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो ये हो गया एक बटा दो आर ए स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यहां पर ये मिस्टेक मत कीजिएगा लोग, यहां पर ये पाई छूट गया था, हो गया। अब देखिए यहां पहुंच जाएगा पाई आर ए स्क्वायर, इसमें गुणा करते हैं माइनस आर ए स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री, इसमें भी गुणा होगा, ब्रैकेट के मतलब प्रत्येक से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर ए स्क्वायर साइन थीटा और बटा 2। अब ये सभी में देखते हैं कि क्या कमन हो रहा है, ठीक है, तो ये सभी में कमन हो रहा है आर ए स्क्वायर, तो बच जाएगा पाई माइनस पाई थीटा बटा 360 डिग्री प्लस साइन थीटा बटा 2, ठीक है। अब यहां पर इतना भी छोड़ सकते हैं आर ए स्क्वायर, ये इसका एलसीएम लेंगे 360, हो जाएगा 360 पाई माइनस पाई थीटा प्लस 180 साइन थीटा, ये हम लोग का आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, हम लोग जब भी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वृत्त तथा उसकी रेखा में संबंध, रिलेशन बिटवीन सर्किल एंड लाइंस, उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी वृत्त के बारे में बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है, सभी चीज़ का जानकारी लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसी प्रकार, और कंपटीशन लाइक सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसका लास्ट में ट्रिक भी पढ़ेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू। Okay.